अगर आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या सीपीओ के इंग्लिश सेक्शन को लेकर परेशान हैं तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और जैसे मैंने बताया है उसको फॉलो करें। डेफिनेटली आपकी जो इंग्लिश की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी होने लगेगी, एक इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको और आपके जो मार्क्स वगैरह आप देंगे उसमें मार्क्स बढ़ने धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं मैं आपको, मेरा नाम तेज प्रताप सिंह है। फिलहाल मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एजी ऑडिट रायपुर ऑफिस में छत्तीसगढ़ में वर्किंग हूँ। 2016 के थ्रू मुझे ये पोजीशन मिली असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की और मेरी ऑल इंडिया रैंक 55th थी। इससे पहले मैं हैदराबाद ऑफिस में एज एन ऑडिटर वर्किंग था। तो चलिए अब आपके काम की बात करते हैं। देखिए, इंग्लिश की प्रिपरेशन जब आप करेंगे और जब आप पूरा वेटेज देखते हैं प्री और मेंस मिला के, तो 250 नंबर का है। शुरू के 50 नंबर प्री में और 200 नंबर आपके मेंस में। तो हमको 250 नंबर की प्रिपरेशन करनी है, ना कि प्री की 50 नंबर की प्रिपरेशन, ठीक है? तो मैं इस हिसाब से आपको बताऊंगा कि आपकी पूरी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। देखिए, सबसे जरूरी काम जो एक है, हमें इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैंने आपसे किसी तमिल बच्चे को कहा, कोई तमिल पर्सन है, उसको मैंने कहा कि इसको आप हिंदी सिखा दो, तो अगर आप उसको दो तीन व्याकरण की किताबें दे देंगे, जो रिकमेंडेड बड़ी अच्छी की व्याकरण की किताबें हिंदी की उसे दे देंगे और बोलेंगे भाई तुम हिंदी इससे पढ़ लो और धीरे धीरे तुम्हें सारे व्याकरण के ज्ञान हो जाएगा और तुम हिंदी सीख जाओगे, तो ऐसे वो कभी व्याकरण पढ़ के हिंदी नहीं सीख पाएगा, बल्कि वो फ्रस्ट्रेट होगा, कंफ्यूज होगा और वो सारी किताबें डंप करके छोड़ देगा। यही काम ढेर सारे एस्पिरेंट करते हैं जो जो हिंदी माध्यम से हैं, जब तैयारी शुरू करते हैं तो वो किताबें तो ठीक ठाक खरीद लेते हैं जो रेकमेंडेड किताबें हैं, बहुत ही अच्छी किताबें जो बताई जाती हैं, लेकिन आपकी प्रिपरेशन उस दिशा में नहीं होती है, उस ढंग से आप तैयारी शुरू नहीं करते हैं जैसे कि आप इंग्लिश सीख सकें, इंप्रूवमेंट ला सकें और आपके मार्क्स बढ़े। तो देखिए, अगर इंग्लिश सीखना है आपको तो सबसे जरूरी जो पहला काम आपको करना है वो रीडिंग करनी है इंग्लिश की, जितनी ज्यादा आप कर सकें उतनी अच्छा। अगर राइटिंग थोड़ी बहुत कर सकते हैं हर दूसरे दिन तो वो और भी बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो रीडिंग आपको डेली करनी पड़ेगी, कम से कम आधा घंटा रोज न्यूज़पेपर आप पढ़ें इंग्लिश का। अब अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए आपको। तो देखिए, न्यूज़पेपर कोई भी हो सकता है, वो द हिंदू हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत जरूरी है। अब एक और प्रश्न आता है कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें। कुछ लोग कहेंगे कि ऑडिटोरियल से शुरू करें क्या हम, नहीं। देखिए, न्यूज़पेपर में आप वो चीज पढ़ें जो आपका फेवरेट है, मतलब जिसको पढ़ने पे आपको मजा आएगा, वो चीज आपको खोजनी है। जैसे अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, क्रिकेट के प्रेमी हैं, तो आप क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज पढ़ें, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज पढ़ें, ठीक है? अगर आप एंटरटेनमेंट फैशन वगैरह में इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड न्यूज पढ़ें, ठीक? जो आजकल देख रहे हैं आप बिग बॉस वगैरह में जो चल रहा है, अगर उससे रिलेटेड न्यूज, तो उसको आप कहां से पढ़ना है, आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर से ही पढ़ना है, ठीक है? अब अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो पॉलिटिक्स वाले न्यूज पढ़ें। अब जब आप ऐसे न्यूज पढ़ेंगे तो इससे ये होगा कि अगर आपको डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी या आपको ऐप के थ्रू मीनिंग देखनी है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी खोलने में। क्यों? क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट का न्यूज पढ़ रहे हैं। तो डेली आपको आधा घंटा न्यूज पढ़ना ही पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है। शुरू में आपको दिक्कत होगी, कम से कम 3 महीने, हर दूसरे तीसरे दिन आपका मन करेगा कि यार अब न्यूज पेपर को बंद कर देता हूं, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये काम आपको नहीं करना, 3 महीना, मेरी बात मानिए, सिर्फ 3 महीना आप इसको कंटिन्यू रखिए, इसको छोड़िएगा मत। अपने इंटरेस्ट की सिर्फ न्यूज पढ़िएगा सिर्फ 3 महीने, आप उसके बाद आप फिर पढ़ना आपका मतलब एक रूटीन बन जाएगा, आपको मजा आने लगेगा धीरे धीरे, वोकैबुलरी आपकी धीरे धीरे डेवलप होगी, आपको ग्रामर समझ में आएगा कि मतलब राइटर कहना क्या चाह रहा है उसमें, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस 3 महीने की दिक्कत है शुरू की, ठीक है? अब आगे चलते हैं। जरा एक काम आप और करिए, जरा एक कोई मैगजीन उठा लें अगर पॉसिबल हो तो। वैसे तो न्यूज़पेपर भी आना था, अगर कोई मैगजीन वगैरह उठा सकते हैं तो उठा लीजिए। मैगजीन से आपको क्या करना है, मैगजीन से आप एक काम करिए कि उसको 15 दिन में खत्म करिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे पढ़ के रोज आधे आधे घंटे पढ़ के 15 दिन में उसको खत्म करिए, ठीक है? तो ये एक काम आपको करना पड़ेगा। अब इससे रीडिंग क्या होगी, डेली अगर 1 घंटे की रीडिंग अगर आप करते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगी। विश्वास मानिए कि आपके प्री के स्कोर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग। मेंस का अगर मैं आपको पेपर बताऊं तो मेंस जब आप देखेंगे आपको मतलब आपके पास ढेर सारे इसके क्वेश्चन होते हैं, आपको पढ़ना होता है, फिर आंसर करना होता है, नरेशन के भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? और क्लोज टेस्ट वगैरह रहेंगे, पैरा जंबल्ड में बहुत बड़ा रोल हो जाता है, ठीक?
आप जब पैराग्राफ रीडिंग पर उससे क्वेश्चन आंसर करना, तो उसके लिए बहुत जरूरी है ये, जो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, और वो आपकी होगी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ने से, और अगर लिख सकें साथ में थोड़ा बहुत उससे, तो पढ़ना तो शुरू कर दें, ठीक है, बहुत जरूरी है। अब आगे चलते हैं जरा, देखिए ये जो मैंने बताया, तो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आप किसी को भी कह सकते हैं कि कोई भी इसको शुरू कर ले, जिसको भी इंग्लिश मतलब रीडिंग राइटिंग सुधारनी है उसके लिए बहुत जरूरी है ये। लेकिन अगर एसएससी के भी हिसाब से हमें क्विक मार्क्स कहां से मिलेंगे, उसके लिए भी मैं अब थोड़ी सी आपसे बात करूंगा। देखिए अगर आप क्विक मार्क्स जुटाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एसएससी टारगेटेड भी अप्रोच हो आपका, उसके लिए आपको कुछ बुक्स फॉलो करनी पड़ेगी। तो पहली बुक जो मैं आपको बताऊंगा वो है प्लिंथ टू पैरामाउंट वॉल्यूम वन। प्लिंथ टू पैरामाउंट वॉल्यूम वन से शुरू के 15 चैप्टर्स जरूर आप कर लें, 14 से 15 चैप्टर्स जो ग्रामर के वहां पे गिवन है उसको धीरे धीरे आप 2 से 3 बार बड़े आराम से करें, और उसके बाद आप चाहें तो सीधा मॉक पे आ सकते हैं। ठीक, एक किताब मैंने आपको बताई प्लिंथ टू पैरामाउंट। दूसरी किताब मैं आपको बताऊंगा वोकेबिलरी के लिए, प्लिंथ टू पैरामाउंट से वोकेबिलरी ना करें इसकी, प्लिंथ टू पैरामाउंट की वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू दोनों आती है, तो आप चाहें तो वॉल्यूम टू कर सकते हैं बाद में, लेकिन वॉल्यूम वन बहुत मस्ट है, खासकर उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, उनके लिए जिनकी इंग्लिश वीक है, बहुत जरूरी किताब है। ठीक, अब अगली किताब कौन सी है, एससी हार्डविक, एच सी, एच फॉर हिटलर, सी फॉर चार्ली, एच सी हार्डविक की किताब आती है इंग्लिश की, 70-80-90 रुपए किताब है। ठीक, इसमें वोकेबिलरी आपको बहुत बढ़िया से मिल जाएगी, उन्होंने लेवल बना दिया 1, 2, 3, 4, तो इस किताब से आप वोकेबिलरी अपनी कंप्लीट कर लें बढ़िया से। अगर आपने इससे वोकेबिलरी कर ली तो एसएससी में इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, लास्ट लेवल तक न भी जा पाए तो कम से कम शुरू के दो लेवल तो पहले कवर करें, फिर बाद में तीसरा लेवल कवर करें। ठीक है, तो धीरे धीरे नंबर बढ़ने शुरू हो जाए। अब आप बोलेंगे कि यार वोकेबिलरी पे इतना समय देना क्या ठीक है, तो वोकेबिलरी देखिए क्या है ना कि एसएससी के प्री में भी मेंस में भी दोनों में वोकेबिलरी के क्वेश्चन आते हैं, एंटोनिम सिनोनिम आते हैं, अगर हमें आता होता तो हम फटाक मार के मतलब देखा पढ़ा 20 सेकंड में वो नंबर हमारे पक्के हो जाते हैं। ठीक, वो बिल्कुल पक्का नंबर होता है, इसलिए वोकेबिलरी पे मेहनत करना ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। अब वोकेबिलरी के लिए एक किताब और बहुत ही रिकमेंडेड बुक है, वर्ड पावर मेड इजी, वो आपको रूट वर्ड्स के थ्रू वोकेबिलरी सिखाती है। इस किताब को आप तभी टारगेट करें जब आपके पास समय हो, एम्पल समय हो तो आप करें, अच्छी किताब है, अगर मतलब टाइम हो तो किया जा सकता है इसको। लेकिन फिलहाल मैं दो किताब आपको रेकमेंड अभी तक मैंने की, प्लिंथ टू पैरामाउंट, एस सी हार्डविक। अब एक इसके ये दोनों करने के बाद आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, अब एक किताब आप और कर लें जरा इसके साथ, वो किताब नहीं बेसिकली वो प्रैक्टिस सेट का पूरा वो है, एमबी पब्लिकेशन की किताब आती है जिसमें 250 के अराउंड प्रैक्टिस सेट होंगे। ये प्रैक्टिस सेट नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर है जो एसएससी ने एग्जाम्स लिए हैं आज तक काफी लंबे टाइम में, वो चाहे वो एसएससी ने सीजीएल लिया हो, सीएचएसएल लिया हो, सीपीओ लिया हो, एसआई लिया हो, सबके पेपर आपको इस बुक में मिल जाएंगे। तो ये एक किताब धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस करनी हो इस बुक से जरूर करिए आप। ठीक है, चाहे तो किताब खरीद लें, बुक नहीं खरीदना चाहते तो आप पेपर्स क्यू मैथ्स और एसएससी ट्यूब की वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर पैसे की दिक्कत ना हो तो किताब खरीद लें ज्यादा अच्छा रहेगा। बुक के शुरू में आपको मिल जाएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है, ए बी सी करके, ए वर्ड से कितने हैं, बी से उन्होंने बना के दिया हुआ है, उसको जरूर याद कर लें, वो सारे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, तो एसएससी रिपीट तो करती है, थोड़ा कम रिपीट कर रही है पिछले 2 सालों से, लेकिन एसएससी रिपीट डेफिनेटली करती है, तो आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं जरा, एक किताब इसके साथ मैंने आपको दो किताबें रेकमेंड की, एक प्रैक्टिस बुक रेकमेंड की, लेकिन एक और किताब है मिरर्स ऑफ कॉमन एरर। अगर कॉमन एरर्स का आप वेटेज देखेंगे तो प्री और मेंस दोनों में आता है ये, ठीक है, ठीक ठाक नंबर ये मतलब कवर करता है दोनों में। ठीक, तो इस मिरर ऑफ कॉमन एरर की जो किताब है आपको एरर्स स्पॉटिंग द एरर वाला पार्ट बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगा इससे, तो इस किताब से आप ये सिर्फ मतलब सिर्फ एरर्स के स्पॉटिंग द एरर की ही पूरी बुक है, तो इसको आप बहुत बढ़िया से थॉरली करिए अच्छे से, और मैं मतलब मेरा जो मानना है कि हर 12-15 दिन में हमें एरर वाली कुछ एरर्स मतलब 200-400 उठा के एक दिन जैसे सैटरडे वगैरह संडे को रिवाइज कर दीजिए आप, उससे सारे वो याद रहते हैं, मतलब कहाँ पे किस टाइप का एरर हो रहा है, तो हमारी जितनी मतलब इफिशियंट रहेंगे हम प्रॉम्प्ट रहेंगे तो एग्जाम में उतने अच्छे नंबर आते हैं। ठीक, तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। अब आगे अगली बात आपसे ये कहूंगा कि इतनी जब आप तैयारी कर लेते हैं तो आप चाहें तो मॉक्स भी दे सकते हैं। मॉक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप देखें एसएससी ट्यूब का फ्री मॉक आता है और क्यू मैथ्स के फ्री मॉक्स
वीकली आते हैं ना, वीकेंड में, तो आप ये मॉक जरूर दें। इसमें आपको अपनी रैंक पता चलती है कि अभी आप कहाँ लाइक कर रहे हैं सभी बच्चों के बीच में, ठीक है। तो उसमें भी आपको धीरे धीरे क्या करना होगा, अपनी रैंक में इंप्रूवमेंट लानी होगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक। ये एक बात। एक बात और, जब आप मॉक देंगे तो आपको पता चलेगा किस एरिया में बहुत कम नंबर आ रहे हैं आपके, बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हैं आप, तो उस एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, आपको फिर उस एरिया को रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर आपकी वोकेबुलरी क्वेश्चन लगातार 2-3 मॉक में गलत हो गए ज्यादा, तो वोकेबुलरी वाला सेक्शन आपको एक बार अच्छे से करना पड़ेगा। अगर स्पॉटिंग एरर गलत हो रहा है, एक्टिव पैसिव तो खैर प्री में नहीं है, वो मेंस में आएगा आपका, तो मतलब जो भी चीजें गलतियां होंगी आपको पता चलता रहेगा, तो आप इम्प्रूव करते रहेंगे, ठीक। तो अब मैं एक बार समअप करता हूं सारी चीजों को। एक तो आपको न्यूज़पेपर की रीडिंग करनी है, दूसरी आपको प्लिंटो पैरामाउंट वॉल्यूम 1 से ग्रामर पूरा कंप्लीट कर लीजिए, एससी हार्डविक से आप कर लेंगे आप अपना वोकैबुलरी, ठीक है। और तीसरी किताब मैंने आपको बताई, एमबी पब्लिकेशन की किताब है, उसमें आपको पूरे प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। और अशोक कुमार सिंह की किताब है जो ये मिरर्स ऑफ कॉमन एरर, काफी रिकमेंडेड बुक है, इससे आपकी एरर की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये तीन किताब, एक प्रैक्टिस सेट अगर आपके पास है और ढंग से तैयारी कर रहे हैं, रीडिंग रेगुलर कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन वो जो इंप्रूवमेंट होगा वो सॉलिड इंप्रूवमेंट होगा, मतलब उसका कोई काट नहीं होगा, ठीक। आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे, ये गारंटी है अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो, ठीक है। इसी के साथ मैं अपना